दुमका के कांग्रेस भवन में जिला कांग्रेस प्रभारी रविंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उनके निशाने पर रही केंद्र की भाजपा सरकार। सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार की 7 घोटालों को बेनकाब किया है, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत योजना में फर्जीवाड़ा, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टोल नियमों का उल्लंघन, HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामी और ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं का पैसा अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च करने का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत सड़क की लागत में लगभग 100% की वृद्धि का खुलासा हुआ है। वहीं द्वारका एक्सप्रेस वे के तहत सड़क बनाने की कीमत 250 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर पहुंच गई, जबकि स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर थी। इसी प्रकार NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से टोल टैक्स नियमों का उल्लंघन करते हुए 132 करोड़ रुपये वसूले हैं। आयुष्मान भारत योजना में मृत लोगों को जीवित दिखाकर भुगतान किया गया है और एक ही नंबर से 7.5 लाख लाभार्थियों के जुड़े होने का फर्जीवाड़ा भी उजागर किया गया है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के घोटाला का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें ठेकेदारों को 19.73 करोड़ का अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। सीएजी के इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपनी पेंशन योजनाओं के 2.83 करोड़ रुपये केंद्र की अन्य योजनाओं के प्रचार में खर्च कर दिए। वहीं HAL पर विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिससे 159 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कांग्रेस जिला प्रभारी ने मांग की है कि इन घोटालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े, अन्यथा पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उन्होंने आशंका जताई कि कहीं ऐसा न हो कि प्रधानमंत्री आने वाले समय में कैग के अधिकारियों के घर भी ईडी और सीबीआई को भेज दे, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ईडी और सीबीआई पहुंच जाती है। ये अपने आप को दम भरने वाली मोदी की सरकार आज 9 वर्षों के उपरांत हर जगह ये कहती है कि कोई हमारे ऊपर में करप्शन का चार्जेज नहीं है, कोई हमारा भ्रष्टाचार हमारे सरकार में नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से कहते आई है, हमारे नेताओं ने सब शुरू से कहा है कि इस पार्टी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, जीएसटी का मामला हो, हर स्तर पर इसमें भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी हुई है सरकार है। लेकिन सरकार उनकी एजेंसी उनकी जांच करना उनको है और फैसला भी उनको सुनाना है, इसलिए बातें सामने नहीं आती थी। लेकिन आज जो अभी इस सत्र में जो आया है सीएजी का रिपोर्ट, कैग का रिपोर्ट, हम कह सकते हैं कि जिस कैग के रिपोर्ट पर नाम सुनते ही हर मीडिया में भी ये बातें एकदम तैरने लगता था कि ये भ्रष्टाचार, चाहे पिछले समय में आपने देखा है कई तरह की बातें हुई जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय में। लेकिन आज स्थिति ये है, ये सरकार की जो सीएजी की रिपोर्ट आई है इसमें 7 ऐसे बिंदु पर कैग ने साफ शब्दों में कहा है कि लाखों करोड़ के घोटाले हुए हैं, जिसमें साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि भारतमाला एक प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रक्रिया है, जिसके तहत उसके जो एस्टीमेट होते हैं, इसमें सीए का एक संस्था है उसमें, जिसमें डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अधीन होता है, और उसमें जो भी ये एस्टीमेट बनते हैं वो प्रधानमंत्री के वो कमेटी में ही जाके, सीए जो कमेटी है उस कमेटी से ही पारित होते हैं। उसके बावजूद भी उस कमेटी में भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके की प्राकलन में जो तय हुए, जो पास हुआ सीए के कमेटी में, उससे 100% से भी ज्यादा, यानी 2 गुना से ज्यादा का एस्टीमेट का भुगतान हुआ है, उसमें करप्शन हुए है। जैसे उसमें दूसरा मामला द्वारका एक्सप्रेसवे का है, जिसमें कि 18 करोड़ का एक प्रति किलोमीटर के दर से तय हुआ था, और वो एक किलोमीटर बनाने में सरकार में उसमें 250 करोड़ रुपया का दिखाया गया कि 250 करोड़ में एक किलोमीटर का वो द्वारका एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। तो ये घोटाला सामने है कि 18 करोड़ का रास्ता सड़क 250 करोड़ में कैसे हुआ, कैसे बना, वो सोने का चांदी का किस तरीके से बना कि 18 करोड़ का मामला 100 करोड़ तक पहुंच गया। तीसरा हम कह सकते हैं कि आयुष्मान में जो आयुष्मान की सरकार दम भरती है, आयुष्मान के हम लोगों को 5 लाख का बीमा दे रहे हैं, आयुष्मान के तहत मुफ्त इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें कि आयुष्मान में
मृत व्यक्तियों का भी पैसा उठाया गया है और एक मोबाइल नंबर से 7.5 लाख लाभार्थी का भी वो जो टैग हुआ है। ये कैक का रिपोर्ट है, ये कांग्रेस पार्टी का और हमारा कोई रिपोर्ट नहीं है, ये सीएजी का रिपोर्ट है। अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि 2 दिन में एक जमीन 2 करोड़ का खरीद करके और 50 करोड़ में बिकने की बात आई थी। उस प्रकार आज बिल्डिंग जो बन रहा है उसमें भी ठेकेदारों को लाभ, लगभग उसमें 20 करोड़ का मामला सामने आया है सीएजी के रिपोर्ट में। टोल जहां एनएचई का जो टोल पूरे देश में लगे हुए हैं, टोल प्लाजा, उसमें भी टोल प्लाजा में भी सीएजी की जो मात्र पांच टोल प्लाजा की जो रिपोर्ट आई है जिसमें जांच किया है सीएजी ने, तो उसमें पाया गया है कि 132 करोड़ रुपया जनता का गलत तरीके से टोल प्लाजा ने जनता से पैसा कलेक्ट किया है। एचएएल के बाद मामला आता है। एचएएल में जो एक विमान का इंजन बनाने का डिजाइन बनाने की बात हुई थी, प्रोडक्शन में जो खामी आया है सामने कि एक विमान का इंजन की डिजाइन गलत डिजाइन बनाने से लगभग 159 करोड़ रुपया का नुकसान सरकार को रेवेन्यू के रूप में हुआ है। 7वां जी ग्रामीण विकास मंत्रालय का घोटाला है, जिसमें कि आप देखेंगे कि जो उसमें से 3 योजनाएं चलती है, उसमें वृद्धा पेंशन दिया जाता है, विकलांग पेंशन दिया जाता है और विधवा पेंशन दिया जाता है, और उस पेंशन के पैसे से 2.83 करोड़ रुपया उस पेंशन के पैसे को सरकार ने अपने प्रचार प्रसार में अलग विभागों में लगाया है। आज हमारे पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर हम लोग इसके प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को, आपके माध्यम से हम जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं और इसके बाद हमारा अग्रेतर जो कार्रवाई होगा इसको लेकर के हम सड़क पर जा रहे हैं।